डियर ऑल, वेलकम टू माई चैनल। चलिए ऐसे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द रोल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सीमेंट एडेड टू कंक्रीट। वाटर और सीमेंट का रेशियो ही हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कंक्रीट मिक्सिंग करने के टाइम पे, और ये वाटर सीमेंट रेशियो एक मेजर रोल प्ले करता है कंक्रीट में। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, मैकेनिकल मिक्स में हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं बैचिंग प्लांट में, और ये मैनुअली मिक्सिंग हो रहा है। तो ये मिक्सिंग करें वाटर, तो अगर ये वाटर ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो क्या इशू आएगा, और कम मिक्सिंग करेंगे तो क्या इशू आएगा, वो वाटर सीमेंट रेशियो क्या बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्टली अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स। ये चार्ट से हम लोग पूरा देख सकते हैं। ये चार्ट हमने लिया है IS 10262019, मिक्स डिजाइन के लिए यूज होता है ये IS को, वहां से लिया हुआ है। देखिए, फ्री वाटर सीमेंट रेशियो एक ये साइड हो गया, और 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये साइड देख लिया हमने। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ग्रेड कंक्रीट M50 का लेते हैं। अभी देखिए, ये कंक्रीट का ग्रेड हमारा हो गया 50 MPa हो गया, ठीक है। तो 50 MPa अगर हमको मान के चलो 0.3 हमारा 0.3 वाटर सीमेंट रेशियो होने के बाद हमको 50 MPa मिल रहा है, पर उसी ग्रेड उसी क्वांटिटी उसी जो मिक्स डिजाइन है उसमें अगर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा के अगर 0.6 कर देते हैं तो उसका स्ट्रेंथ उसी मिक्स का क्या हो जाएगा। देखिए कहां से रिड्यूस होकर कहां आ गया, 50 से रिड्यूस होकर आ गया पॉइंट कितना तक आ गया, 10 to 20, 20 से भी नीचे आ गया। तो कहां था 50 और कहां हो गया 20, तो खाली वाटर सीमेंट रेशियो के वजह से कितना स्ट्रेंथ हमारा डाउन हो रहा है वो इसमें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो किस तरह से हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, डायरेक्ट अफेक्ट करता है कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, हम इसमें से इमेजिन कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, कंक्रीट ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होने से और क्या इश्यू हो सकते हैं वो भी देखते हैं। एडिंग टू मच वाटर टू कंक्रीट कैन रिजल्ट श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड रिड्यूस्ड ओवरऑल स्ट्रेंथ। ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में इसमें से हम देख लिए, और क्रैकिंग के बारे में देखते हैं फोटो में किस तरह से क्रैक जनरेट होता है, श्रिंकेज होगा, क्रैक वगैरह होगा, तो वो भी अल्टीमेट कंक्रीट का स्ट्रक्चर के लिए हमारा वो सही नहीं है। आगे चलते हैं, और क्या इश्यू हो सकता है ज्यादा पानी होने से, ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होने से। एक्सेसिव वाटर मेक्स लूज कंक्रीट डिफिकल्ट टू हैंडल। डेफिनेटली अगर ज्यादा पानी रहेगा तो उसको बेलचा में या कोई भी कैरी करने वाला कोई भी वर्कर रहेगा तो उठा के कैरी नहीं कर सकता, प्लेसिंग बराबर से नहीं कर पाएगा। लीडिंग टू सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग प्रॉब्लम इन कंक्रीट। ये वाला देखिए, पट में देखिए, जब कंक्रीट इसमें रखा गया है तो ऊपर पूरा स्लरी आ गया, एग्रीगेट नीचे चला गया, तो अल्टीमेट क्या हुआ यहाँ पे, ब्लीड हुआ, स्लरी ऊपर आ गया। जब इसको लेके हम कहीं भी डालेंगे तो हमारा कंक्रीट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, जहां भी हम डालेंगे अलग टाइप का अलग जगह पर रहेगा स्लरी, अलग जगह रहेगा कंक्रीट, तो उसका स्ट्रेंथ हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे जो चाहिए, वो ब्लीडिंग हो रहा है। इस फोटो से देखिए कैसे हमारा सेग्रीगेट हो रहा है, एग्रीगेट किस तरफ जा रहा है, स्लरी किस तरफ आ रहा है, तो ये भी सेग्रीगेशन का एक फोटो है। हम इस दोनों को अगर स्लैब में डाल के देखेंगे भी तो क्या होता है, देखिए स्लैब में एक साइड से हो गया एग्रीगेट, एक साइड से जा रहा है स्लरी, तो जो स्ट्रेंथ आने वाला है स्लैब में होना चाहिए, जितना ग्रेड का हम लोग डिजाइन मिक्स किया होगा, जो हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो ग्रेड को अचीव डिजाइन प्लान करके रखा होगा, उतना स्ट्रेंथ हमको मिलेगा नहीं। तो अल्टीमेट हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा एक्सेसिव वाटर यूज होने से हमारा क्या होता है, हमारा सेग्रीगेशन ब्लीडिंग होता है, और इजी प्लेसिंग भी नहीं हो पाता है, हैंडलिंग के लिए भी इशू आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है तो उसमें क्या इशू आएगा, हमने ज्यादा के लिए तो देख लिया, कम के लिए क्या इशू आएगा। देखिए, कम होने से पूरा स्टिफ हो जाएगा, एक हार्ड बन जाएगा, जहां रख देंगे वहां ही रुक जाएगा, कंपैक्शन भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका देखते हैं, इफ द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड इज लेस देन देयर विल नॉट बी ए सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू हाइड्रेट सिस्टम सीमेंट, इट इज रिजल्ट इन वीक एंड पोरस कंक्रीट। अभी हम लोग कंक्रीट के अंदर में स्ट्रेंथ किस तरह से अचीव करते हैं, वो इंटरनली एक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, सीमेंट और वाटर के केमिकल रिएक्शन होता है। जब जितना सफिशियंट नंबर क्वांटिटी का उसको वाटर नहीं मिलेगा, अगर वाटर सीमेंट से हम बहुत ही कम कर देंगे तो क्या होगा, वो अंदर में जो रिएक्शन होना चाहिए 100% नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, सीमेंट और वाटर की वजह से जो केमिकल रिएक्शन नहीं होने की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट बराबर से स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा, वीक बन जाएगा, पोरस बन जाएगा स्ट्रक्चर, तो इशू भी बनेगा। और ऊपर सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, इजी हैंडल भी नहीं पाएगा, अब जैसे टाइट रहेगा तो हम कहीं पे लेकर डाल नहीं सकते। देखो, हाउएवर विदाउट एनफ वाटर इट विल मेक कंक्रीट टू स्टिफ, डिफिकल्ट टू फिल एंड कॉम्पैक्ट, एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट द हॉनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट, इट इंक्रीजेस द लेबर एफर्ट टू मूव द कंक्रीट। तो वो सब चीजें होगा, हम जब कंक्रीट जहां डालेंगे वहां वाइब्रेशन बराबर से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट बराबर नहीं हो पाएगा, तो हॉनीकॉम्ब भी आएगा और उसका लेबर लोग शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से हमारा सरफेस फिनिशिंग भी सही नहीं आएगा, चारों तरह से प्रॉब्लम आएगा। तो
ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा टाइट होने से दो चीज होगा, दोबारा हम रिवाइंड करते हैं, बराबर प्लेसिंग नहीं कर पाएंगे, लेवर को लेने के लिए भी दिक्कत होगा, और साइड पे हम लोग उसका बराबर हनीकम वगैरह आएगा, सरफेस फिनिशिंग सही नहीं आएगा, स्टीफ कंक्रीट बराबर मतलब यूज नहीं हो पाएगा सही ढंग से, वो सब बहुत कॉम्पैक्शन भी नहीं हो पाएगा, और सबसे बड़ा चीज उसका क्या होगा ना, हाइड्रेशन प्रोसेस बराबर से नहीं हो पाएगा। तो अभी हम आगे देखते हैं, अगर टाइट हुआ तो क्या हम लोग साइड में उसमें वाटर मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिला सकते, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने से सेम चीज हमारा स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हमारा काम क्या है, हम लोग स्लम चेक करेंगे साइड में, स्लम चेक करने के बाद में उस साइड का क्वालिटी पर्सन जो भी रहेंगे उसको वो एडमिक्सर वगैरह डाल के उसको हमको रिक्वायर्ड स्लम जो है उतना वो मेंटेन करके देंगे, ठीक है? हम लोग साइड पे वाटर नहीं मिलाएंगे। हाँ, अब देखते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो का रेंज क्या होना चाहिए। जैसे हमने अभी बताया कि ज्यादा वाटर नहीं डाल सकते, ज्यादा लूज कंक्रीट नहीं हो सकता, ज्यादा टाइट भी नहीं कर सकते, दोनों तरफ से हमको कंक्रीट का स्ट्रेंथ के ऊपर इंपैक्ट करता है और दूसरा इंपैक्ट भी पड़ता है। तो क्या है वो रेंज, क्या है? एक शीट देखिए, IS 456 से लिया हुआ है और टेबल नंबर 5 का है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 दिया हुआ है, ये 0.4 मिनिमम दिया हुआ है। तो ये रेंज है हमारा एक अच्छा डेंस कंक्रीट स्ट्रक्चर लेने के लिए। और इस शीट में हमको और भी बहुत कुछ डाटा देखने के लिए मिलेगा, जैसे एक्सपोजर कंडीशन कितना टाइप का है, सीमेंट क्वांटिटी मिनिमम कितना होना चाहिए, कौन सा एक्सपोजर कंडीशन में और कौन सा ग्रेड के लिए, उस सब हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आप लोग को डाउट रहेगा आप कमेंट में मुझे पूछिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सब लोग हम लोग मिलकर अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर पाए। अगर आपको और कुछ दूसरा वीडियो के ऊपर, दूसरे टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप भी उसको भी कमेंट में शेयर करिए, कमेंट करिए, मैं उसको भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।